जींद के ऐतिहासिक कंडेला गांव में बुधवार को हुई किसान महापंचायत में हाथ उठाकर तीनों कृषि कानून वापस लेने सहित कुल 5 प्रस्ताव पारित किए गए। कंडेला खाप की ओर से ये सभी प्रस्ताव खाप प्रधान टेकराम कंडेला ने किसान नेताओं व उमड़ी रिकॉर्ड तोड़ भारी भीड़ के समक्ष रखे, जिन्हें लोगों ने हाथ उठाकर पारित किया। महापंचायत में प्रदेश भर से खापों व तपों को आमंत्रित किया गया था। महापंचायत में पारित अन्य प्रस्ताव में MSP पर कानून बने, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, दिल्ली में पकड़े गए ट्रैक्टर व लोग रिहा हो, केस वापस हो तथा किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने तल्ख लहजे में कहा कि अभी तो हमने बिल वापसी की बात की है, अगर देश के जवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो तब किसान क्या, सरकार क्या करेगी। उन्होंने बिल वापसी नहीं तो आंदोलन भी वापसी का नारा दिया। बिल वापसी नहीं होंगे तो गद्दी वापसी करनी होगी। इसके लिए उन्होंने सरकार को अक्टूबर तक का समय दिया है। इसके बाद 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ अमृतसर तक कूच किया जाएगा। टिकैत ने कहा कि सरकार की किलेबंदी अभी तो एक नमूना है, आने वाले दिनों में इस तरह से गरीब की रोटी पर किलेबंदी होगी। रोटी तिजोरी में बंद न हो इसके लिए ही यह आंदोलन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को हर वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन किसान आंदोलन को फेल करने के लिए सरकार ने किसानों के रास्ते में कील गाड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह नहीं पता कि किसान ने हमेशा अपनी राहों में आने वाले सभी कांटों को काट फेंका है। उन्होंने कहा MSP पर सरकार कानून बनाए, तीनों काले कानूनों को रद्द करें, इसी पर ही समझौता होगा, इसके अलावा सरकार से कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले और बाद में किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ता आ रहा है। राकेश टिकैत ने कहा उन्हें किसान के हक की लड़ाई लड़ते हुए 35 वर्ष हो गए हैं। पंजाब बड़े भाई की भूमिका में अपना कार्य करेगा, हरियाणा और यूपी पंजाब के पीछे खड़े रहेंगे। उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि आंदोलन में आने से पहले किसान अपने खेत में नंगे पैर जाएं, उसको नमन करें, खेत की मिट्टी को अपने माथे पर लगाएं, फिर आंदोलन का रुख करें। उन्होंने युवाओं से शांति बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि उनका आंदोलन सही ढंग से चल रहा है, युवा जोश के साथ शांति भी बनाए रखें, हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। मां पंचायत को हरियाणा के किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी व पंजाब के किसान नेता बलबीर सिंह राज्यवाल, युद्धवीर सिंह व रतन सिंह मान ने भी संबोधित किया। आपको बता दें जींद में महापंचायत में भारी भीड़ उमड़ी थी, जिससे मंच पर राकेश टिकैत समेत बलबीर सिंह राज्यवाल जब मंच टूटा तो वो नीचे जा गिरे। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। कंडेला गांव के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित महापंचायत हुई थी। अधिक भीड़ होने के कारण एक तरफ का मंच टूट गया। हालांकि मंच टूटने से कोई चोटिल नहीं हुआ। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच पर ही काफी भीड़ रही। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा मंच तो भाग्यशालियों के ही टूटते हैं। जींद से भव्य सैनी की है रिपोर्ट। सरकार के षड्यंत्र को समझता है, सरकार को जान गया देश का किसान, और इस लड़ाई को बीच में छोड़ के भागेगा नहीं ये किसान। वो बहुत अनुशासित है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वो धक्का दे के मेज से किसी बल से यहाँ पर दूर दराज से हमारे किसान यूनियन के नेता आए हुए हैं और सबको मैसेज दिया जा रहा है। अपने कंडेला गांव का विजेंद्र सुपुत्र श्री खुजान ये गोंडा प्रदर्शन कर रहे, क्या सबक देंगे हम दिल्ली में।
देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार ने जो तीन कानून बनाए, जिस तरह से सरकार ने सभी किसान भाइयों, पिछले 69 दिन से हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। दिल्ली में 1 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे गया, दिल्ली में 5 दिन बारिश हुई, दिल्ली में ओले पड़े, लेकिन 1 लाख किसान दिल्ली में निरंतर 69 दिन से बैठा। लगाए गए किले किले गाड़ी गई, अरे
किले तो लाल किले के दीवार पर भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पर भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला, कहाँ है किले का गेट, उसमें किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। लेकर जाइए आप पंजाब के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर, लेकर जाएंगे जो किले गाड़ी गई है, सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते उनको उखाड़ कर, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे, वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पाड़ कर लेकर जाएंगे हम, ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया आगे कि वो लेकर जाएंगे सोरम के चौपाल मन को रखेंगे, उनकी हिम्मत ये किले गौर करो करे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर पूरे जनता जाएगी। वो दिन दो नहीं, हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे, अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे। आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो, हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी दिल्ली पहुंच कर देंगे, आप स्टैंड बाई में रहेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप गुस्सा हमें दे दो। जिस दिन वो आंसू पड़ा, अगर उस दिन हमने आग मांग ली होती तो क्या होता, ले आ जाऊंगा। अरे मैं तो कहीं भेज दो, मैं तो वहां नहीं पता करी। देखो वो पूरी जनता का गुस्सा था, वो उसको पानी में लिया, पानी की तासीर ठंडी होती है, इनकी समझ में नहीं आएगा। 72वां गणतंत्र दिवस था, उसको अपमानित करने का काम करा था। हम 35 साल से लड़ाइयां लड़ रहे, हम हर बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, वही पार्लियामेंट पे नहीं गया, लेकिन पहली बार अरे सो ही नहीं लगा तो आप बात ठाक है। आप मैं आए हुए अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।